अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम सर, आप कैसे हैं? अल्लाह के वालेकुम सलाम। बस एक दो मिनट वेट करते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा? अस्सलाम वालेकुम सर, आज मेरी फर्स्ट क्लास है तो मुझे आपसे पूछना था कि अगर आप मुझे लेक्चर्स सेंड कर सकते हैं या आप ऑनलाइन कब डालेंगे एलएमएस पे? अना बेटा, आप एलएमएस पे नहीं हो अभी तक? सर एलएमएस पे एनरोल तो मैं हो गई हूँ, आई गेस यस्टरडे या उससे पहले, लेकिन उस पे मुझे लेक्चर्स नहीं शो हो रहा है। बेटा हमने असल में क्योंकि जो जितने भी लेक्चर्स हुए उसको अभी एडिटिंग कोई यानी कि अभी एलएमएस के ऊपर ये जो हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है ये नहीं आ सकती, तो हम चाह रहे थे कि अभी जैसे रिसेंटली आपको एलएमएस को एनरोल किया है, ऐसे ही मेरा जो टीए है, मेरी जो टीए हैं वो आपको तमाम चीज़ें एलएमएस के ऊपर प्रोवाइड कर देंगी। और ये नेक्स्ट क्लास में आपको पता है जैसा कि हम पहले दो सब्जेक्ट्स का ये जो पहले दो टॉपिक्स हमने पढ़े थे उनका हम क्विज लेने जा रहे हैं, तो उसके जो लेक्चर्स हैं वो पहले हम वहाँ पे आज या कल तक मैक्सिमम हम अपलोड कर देंगे, उसके लिंक्स वगैरह ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा यानी कि जो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स हैं वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। और सर और दूसरी बात ये है कि एक और असाइनमेंट भी आप लोगों ने फ्राइडे से पहले मुझे सबमिट करवानी है, आपने पाकिस्तान में इलेक्शन रिफॉर्म्स किस तरह होनी चाहिए, इलेक्शन रिफॉर्म्स का क्या एस्पेक्ट होने चाहिए, क्या आप प्रपोज करते हो, इसके ऊपर 25 डिफरेंट बुलेट्स या सेंटेंसेस आपने लिखकर सबमिट कराना है एलएमएस के ऊपर, उसको एनेबल कर दिया गया है एलएमएस के ऊपर चीज़ों को सबमिट कराने के लिए। तो आपने फ्राइडे के दिन 12 बजे से पहले पहले वो असाइनमेंट सबमिट करानी है, तो ये आपकी दो असेसमेंट हो जाएंगी, एक आपका क्विज हो जाएगा वो भी एलएमएस के थ्रू होगा, और एक आपकी असेसमेंट हो जाएगी ये जो असाइनमेंट की शक्ल में, तो दो असेसमेंट्स हो जाएंगी हमारी मिडटर्म से पहले। ठीक है बेटा? और सर जो प्रीवियस है हमारी असाइनमेंट्स वो भी मैं आपको सबमिट कराऊं या वो उनके टाइम में चलेगी? नहीं, प्रीवियस बेटा हमने नहीं ली थी क्योंकि मुझे पता था स्टूडेंट्स अभी तक एनरोल हो रहे हैं, तो इसलिए अभी तक मैंने कोई असाइनमेंट या असेसमेंट नहीं दी हुई। एंड सर क्विज का टॉपिक क्या होगा वो भी काइंडली बता बेटा। एक वॉर अगेंस्ट टेररिज्म है और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस इन पाकिस्तान। ठीक है सर, वो असाइनमेंट के बारे में बता देना सर। बेटा बताया तो है, क्या पूछना है उसके के बारे में आपने? सर जो आगे फ्यूचर में कैसे रिफॉर्म्स होने चाहिए वो बताने हैं या जो आपने पढ़ाए हैं सर वो? हमने तो कुछ भी नहीं पढ़ाया अभी तक, मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ाया आपको अभी तक इलेक्शन रिफॉर्म्स के बारे में। अच्छा अच्छा, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ा था ना सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी बेटा। सर आप सीआर को कहेंगे दोनों टॉपिक्स ग्रुप में कर दे, शेयर कर दे। ठीक है बेटा। हाँ बेटा, कोशिश कीजिएगा लेक्चर जरूर सुन लीजिएगा क्योंकि 60% जो चीज़ें आती हैं वो नोट्स से आएंगी और 40% आएंगी यानी कि 40% ऐसी चीज़ें होंगी जो लेक्चर्स में नहीं होंगी, उसमें नोट्स में नहीं होंगी, तो आप वहाँ से चीज़ें ये इकट्ठी देख लीजिएगा, उसको सुन लीजिएगा, आज मैक्सिमम इंशाल्लाह हम चीज़ें वो अपलोड कर देंगे। ठीक है सर। ये जो ट्विटर अकाउंट्स का आपने बोला हुआ था वो जिन्होंने फॉलो बैक नहीं किया उनको क्या कर? उनका भी एक माहम और दूसरी क्या नाम है उसका ये जो गुलाम रसूल है इनको कहा गया था, गुलाम रसूल और माहम को कहा गया था कि उनकी लिस्ट बना लें, हम देखेंगे क्योंकि इसके असेसमेंट है, जिन्होंने नहीं किया हुआ उसकी लिस्ट हम बना के इसके क्योंकि 5 नंबर हैं और 25 मार्क्स आपके असेसमेंट के हैं, 25 मार्क्स आपके उसके हैं क्या कहते हैं उसके आपकी जो ट्रेंडिंग के, तो जिन लोगों ने फॉलो बैक नहीं किया होगा और जो जिन लोगों की एक भी शिकायत आएगी इन्होंने हमें फॉलो बैक नहीं किया उसको हम उसको नंबर नहीं देंगे 22.5%। जी माँ बेटा क्या कह रहे थे?
सर ये ट्विटर के बारे में बात करनी थी कि मैंने प्राइवेटली सब स्टूडेंट्स को मैसेज किया था कि फॉलो बैक दे दें, तो जिन्होंने मुझे सेंड किए हैं उनके तो मेरे पास लिस्ट आ गई है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बीच में से अभी तक अकाउंट बनाया है। अभी बनाया नहीं है, बनाया नहीं है, और कुछ कहते हैं आपने आप हमारी ग्रुप में मैसेज किया करें व्हाट्सएप, सॉरी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बीच में से वगैरह में मैसेज ना किया करें। तो बस ठीक है बेटा, वो लोग इंटरेस्टेड नहीं है इन चीजों के अंदर, तो हम उनको मार्क्स नहीं देंगे, आप बेफिक्र हैं। ठीक है जी बेटा, हो गया। आप लोगों का और कोई इश्यू हो तो प्लीज लेट मी नो। राइट, अब शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। सो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इन माय लास्ट क्लास वी स्टार्टेड टू टॉक अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ फेडरलिज्म इन पाकिस्तान, and we also try to make a distinction between the heterogeneous society and a homogeneous society, and we also concluded on the point that Pakistan is a heterogeneous society. beta apne mic band kare sare, Pakistan is a heterogeneous society, or in order to govern heterogeneous society, people's experts believe that kyunki in heterogeneous society people of different cultures, color, caste, creed, language, they are found, they live. So in order to fulfill their needs, different kind of government systems are required. So with reference to the different principles of governments, two kind of principles of governments, they are usually found with reference to the principle of governance in this world. One is the federal form of government, the other is the unity form of government. Federal form of government, in Urdu you call it wafaq, और यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहदानी हुकूमत को इसको कहते हैं, वहदानी हुकूमत यू कॉल इट यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। लाइक ब्रिटेन इज अ यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ईरान इज अ यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पाकिस्तान इज अ फेडरल स्टेट, इंडिया इज अ फेडरल स्टेट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ फेडरल स्टेट, और भी बेशुमार हैं, लेकिन ये कॉमन है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हम किन चीज़ों को बेसिकली रेफर कर रहे हैं। सो अब हमने फिर वी आल्सो टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ फेडरल स्टेट एंड डेफिनेशन ऑफ यूनिटी स्टेट। इन डेफिनेशन ऑफ फेडरल स्टेट वी केम विद द आइडिया दैट इट इज अ गवर्नमेंट इन विच सुप्रीम एंड ऑल पावर्स, इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच सुप्रीम एंड ऑल पावर्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रूल ओवर द होल कंट्री एंड जनरल बट मैनी पावर्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन are given to the federating units means provinces to rule over the parts of the countries. So this was the definition. Acha, ab yahan pe two kind of government system ka baat kiya gaya hai, ek central government which would be having supreme but few, supreme ka matlab hai which could not be shared with anybody, with any country, with any entity or any provincial unit whatsoever, like defense, like currency, like foreign office, like national exchequer wagaira, ye char panch jo supreme hai. सुप्रीम से मुराद ये है कि ये दिस इज द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस इज द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कि वो इसके ऊपर कंट्रोल हासिल करेगी, एंड बट दीज आर फ्यू पावर्स, लेकिन रेस्ट ऑफ एवरी पावर, एक और गवर्नमेंट की बात हुई है इस डेफिनेशन की, दैट इज नोन एज फेडरेटिंग यूनिट्स और प्रोविंसेस, इनको फेडरेटिंग यूनिट्स या प्रोविंसेस भी कहते हैं, फेडरेटिंग यूनिट्स या प्रोविंसेस भी कहते हैं। अब फेडरेटिंग यूनिट्स और प्रोविंसेस के पास जनरल बट मैनी पावर्स, यानी कि हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, लॉजिस्टिक्स, कम्युनिकेशन, जितने भी सूबे के अंदर जनरल नोयत की जो पावर्स होती हैं, जो पावर्स जनरल नोयत की जो होती हैं, सारी प्रोविंशनल गवर्नमेंट्स को दी जाती हैं कि वो अपने मुल्क के अपने अपने सूबों के हालात और वाकियात को सामने रखते हुए गवर्नमेंट कर सकें। अच्छा, अब जैसा कि इस डेफिनेशन के अंदर मैंने आपको बताया, दो किस्म की गवर्नमेंट्स हैं, एक है फेडरल गवर्नमेंट विच इज सपोज्ड टू हैव अ फ्यू पावर्स, फ्यू का मतलब है चंद बट ऑफ सुप्रीम नेचर, एंड दूसरी है फेडरेटिंग यूनिट्स, फेडरेटिंग यूनिट्स और प्रोविंसेस जिसके पास जनरल, यानी उनके पास सुप्रीम है, इनके पास जनरल है, वो सुप्रीम नेचर की पावर है, इसके पास जनरल ऑर्डिनरी नेचर की पावर है, और उनके पास अ फ्यू पावर्स हैं, हेयर मैनी पावर्स,
and the rest of everything is given to the provincial governments to rule over their respective territories. अच्छा here यहाँ पे एक बहुत important बात है that is related to the by the constitution. यानी कि जैसा कि मैंने आपको last class में बताया था whenever there used to be any newly independent state, so different ethnic groups, different parties of the country, they usually decide and have an formal agreement, written agreement in the shape of constitution. So constitution ke andar jo kuch bhi likha jata hai, it used to be a very very important thing. Yani ke ye sari consensus ke zariye kiya jata. Acha ye cheeze thi, ye maine last class mein batayi aap logon ko. To agar main ab aap pooch sakun aapko, according to this definition, federal power, federal government ke paas kitni powers honi chahiye? Supreme but few. Yes, supreme but few powers. Of course, but the supreme but a few powers, right? Or provincial, yeah, federating units or provinces ke paas kaun kitni powers honi chahiye? General and many, sir. General se kya murad hai aur supreme se kya murad hai? Supreme powers jo kisi ke sath share nahi ki jati. Yes, Aslan. Defense. Currency. Defense है और currency है. मतलब कि ये constitution कहता है कि पूरे मुल्क की एक currency होनी चाहिए. सिंध, पंजाब या बलोच या पश्तून लोग अपनी अपनी currency नहीं निकाल सकते. तो ये उनके पास powers नहीं है अपने. और एक पूरे मुल्क की एक ही फौज होगी जो कि. यानी कि मैं ये मैंने आपको क्या बताया कि definition के मुताबिक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर वफाक के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, पूरी दुनिया में ऐसा ही है, चंद पावर्स होती हैं और रेस्ट ऑफ एवरी पावर इज गिवन टू द फेडरेटिंग यूनिट्स. अब नाउ लुक हियर व्हाट एक्चुअली हैपेंड. हुआ क्या? अच्छा, एज आई टोल्ड यू दैट व्हेन पाकिस्तान केम इनटू बीइंग एट दैट टाइम आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नॉट बींग मेड एंड इट वॉज मेड इन 1956. यू हैव ऑलरेडी लर्न इट इन माई सेकेंड लेक्चर के व्हाट वॉज द सिनेरियो एंड हाउ what kind of difficulties were being faced by the political elite of Pakistan, we have discussed in detail. Ke problem kya chal rahe the and aur suboon ke darmiyan ikhtiyarat ki jangi chal rahi thi aapas mein, ke they wanted to have more and more their due representation in Pakistani political system. Acha ye thi, lekin the interim constitution jo ki arzi kanoon jo mulk mein liya gaya, that was Indian Act of 1935, and Indian Act of 1935 was being made by masters for its slave nation. Masters were the Britishers and the slave nation, they were the people of the subcontinent. So the Indian Act of 1935 was basically centralized in nature. Centralized ka matlab hai maximum powers were given to the central government. Central government kaun si thi us waqt unki? Ye jo Britishers the aur ye yahan pe jo sube the Punjab, Sindh, Balochistan, subcontinent ke andar before the partition, they were not having powers. They were not having power. And when सर आपकी आवाज नहीं आ रही. सर आपका माइक म्यूट हो गया आई गेस. जी बेटा. अच्छा, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि इंडियन एक्ट ऑफ 1935 वाज टेकन एज द इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट वाज बीइंग मेड बाय अ मास्टर नेशन, अ मास्टर फॉर इट्स स्लेव नेशन. मास्टर्स दे वर द ब्रिटिशर्स एंड द स्लेव्स वर द पीपल ऑफ सब कॉन्टिनेंट. एंड इंडियन एक्ट ऑफ 1935 वाज बेसिकली अ सेंट्रलाइज्ड, वाज बेसिकली a centralized constitution. Centralized constitution ka matlab kya hai? Maximum powers were being taken and retained by the masters and nothing was given by the masters to its slave provinces, slave people. Yahan pe jitne bhi provinces the, they were being considered slave kyunki wo slave the, and master never wanted to give a liberty, never wanted to give liberty to its people. Iske apne logon ko liberty सर आपकी आवाज फिर चली गई है. आवाज नहीं आ रही.
बच्चों ये पता नहीं क्या हो गया इसको, लेकिन चलें। अच्छा फिर यही द सेम सेंट्रलाइज्ड नेचर ऑफ द 1935 कॉन्स्टिट्यूशन वाज आल्सो बीइंग रिफ्लेक्टेड, वो नजर आई पाकिस्तान के इन इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सेंट्रलाइज्ड नेचर का मतलब क्या मैंने अभी बताया आप लोगों को, व्हाट इज मेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन हैविंग अ सेंट्रलाइज्ड नेचर? सर द ऑल पावर्स वर गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यस द ऑल पावर्स वर बीइंग गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट and nothing was given to the federating units, kyunki masters never wanted to give liberty to its people, unke rights acknowledge karne ke liye wo ready nahi the, that's why they wanted to have more and more hold over the internal economics, politics and social and cultural dynamics of the subcontinent, means this before the partition of this region. Acha anyway then what happened, to jaisa ki maine bataya ki the same constitution when it was being taken as the interim constitution, jab isko interim constitution ke taur pe liya gaya, at that time the same centralized nature was also being reflected in interim constitution of 1947 ke andar bhi ye interim constitution mein same nature reflect hui. Okay, ye cheez jab clear hui hai hamari, uske baad kya hua? Uske baad ladies and gentlemen ab humne discuss karna hai ke what kind of federal constitution was being made in Pakistan as an interim constitution, and what kind of federal structure was being introduced in different constitutions of Pakistan. Different constitutions ke andar Pakistan mein kis kisam ke constitutions ko introduce kiya gaya aur unme federal structure kya tha. Sabse pehle hum baat karte hain interim constitution of 1947 ka. Ab interim constitution of 1947 ki jo humne baat karni hai iske andar zara sun le, जैसा कि दुनिया के जितने भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं उन सब के अंदर बेसिकली तीन किस्म की पावर्स जो होती हैं, तीन किस्म की पावर्स शेयर की जाती हैं बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। अच्छा कोई बंदा पिछले लेक्चर से बताएगा कि पाकिस्तान के अंदर टोटल कितने ज्योग्राफिकल यूनिट्स थे? तो इन सारे ज्योग्राफिकल यूनिट्स को के दरमियान पावर शेयरिंग होनी थी, इनको डिफरेंट किस्म की पावर शेयरिंग इनके साथ की जानी थी। लेकिन अब देखते हैं पाकिस्तान के अंदर किस किस्म का वफाकी स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया गया। अब डेफिनेशन तो आपको समझ आ चुकी है कि नहीं आई अभी तक? आ गई है सर। दैट्स ग्रेट। अब जरा गौर से सुनना क्या हुआ। लाइक एनी अदर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, the interim constitution of 1947 was also sharing three kinds of power between the central government and provincial government, between the central government and provincial government. Pehli power thi usko kehte hain legislative powers, isko kya kehte hain? Legislative powers means the power of law making, power of law making like any other federal constitution of the world. The interim constitution of 1947 was also sharing three different kind of powers between the provincial government and the central government. The very first power was legislative power. Legislative power means law making power. Legislative power means law making power. Second kind of power was the financial power. Ab legislative power ka matlab kya hai ke there were some areas which were given to the central government to make laws in order to govern the country, and there were some areas on which provincial governments they were allowed to make laws in order to govern their respective territories. So when we talk about the financial power means the central government was having some authority over some aspects of law making, money making ke upar kuch some aspects, some subjects of law making. Law making power ka matlab hai subon ko bhi kuch पावर दी गई थी कि कानून बनाने के लिए। फाइनेंशियल पावर्स का मतलब है सूबों के पास भी कुछ प्रोविजनल अख्तियारात थे, फाइनेंशियल अख्तियारात थे, और फेडरल गवर्नमेंट के पास भी कुछ फाइनेंशियल मालियाती जिसको पावर्स भी कहते हैं अख्तियारात भी थे। थर्ड काइंड ऑफ पावर वाज नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स गवर्नेंस। सो सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज हैविंग सम पावर्स ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस मींस पूरे मुल्क को एडमिनिस्टर करना, गवर्न करना। सो वाज द केस विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। अब लाइक एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड,
interim constitution of 1947 was also sharing three kinds of power. Pehli kaun si thi? Legislative power. Second kaun si thi? Financial power. Third financial power. Administrative power. Administrative powers, right? अच्छा अब ये मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई है आपको? जी सर आई है। यहाँ पे अगली चीज देखिएगा जरा। अब अगली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट है कि जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी, लेजिस्लेटिव पावर, ये जो तीन पावर शेयर हुई थी, लेजिस्लेटिव पावर वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर पावर्स वर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पावर। पहली पावर थी फेडरलिस्ट, सेकंड थी प्रोविंशियल लिस्ट एंड द थर्ड वाज द कंकरेंट लिस्ट। और बच्चों मेरी बात समझ आ रही है? फेडरलिस्ट वाज यानी कि ये जो आपको लेजिस्लेटिव पावर्स थी, लेजिस्लेटिव पावर जो कि पहली पावर थी, दे वर बीइंग फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू थ्री स्फीयर्स और थ्री लिस्ट। पहली थी फेडरलिस्ट, दूसरी थी प्रोविंशियल लिस्ट, तीसरी थी कंकरेंट लिस्ट। फेडरलिस्ट का क्या मतलब है? फेडरलिस्ट का मतलब ये है कि इट वॉज अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स का जब मैं कहता हूँ कि मतलब एरियाज, डिपार्टमेंट्स, इंस्टीट्यूशंस, एरियाज मोर स्पेसिफिकली इसको लें। फेडरलिस्ट वॉज कम्पोज ऑफ द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स इन विच जस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज सपोज टू मेक लॉज। प्रोविंशियल लिस्ट वॉज अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स और एरियाज इन विच जस्ट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वर सपोज टू मेक लॉज। एंड देर वॉज अनदर लिस्ट that was known as concurrent list. अब जरा concurrent list को समझिएगा जरा, गौर से सुना है आप लोगों ने। concurrent list was basically the list of subjects in which आपके जितने भी provincial governments and central government were supposed to make laws, दोनों बना सकते थे। concurrent list के अंदर provincial governments were also allowed to make laws, central governments were, central government was also allowed to make laws, but it was ensured that the provincial legislation must not come in conflict with the legislation of the central government. क्या कह रहा हूं आपको कि in concurrent list both of the governments means central government and provincial governments they were allowed to make laws, but in case of conflict अगर इनके दरमियान कोई आवाज नहीं आ रही, अर्बन आ गया। अच्छा, कंकरेंट लिस्ट वॉज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स इन विच बोथ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स दे वर अलाउड टू मेक लॉज, बट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट between the legislation done by the provincial governments and the central government, then the legislation of the central government was supposed to dominate or prevail. Meri baat samajh aayi hai ye aapko? Yes sir. Yes sir. Central government will dominate sir. Ji, central government will dominate. Central government ne dominate karna tha. Okay. Ab dobara kehta hu, zara gaur se suniyega. अच्छा, पहले लाइक एनी अदर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड कितनी किस्म की पावर डिस्ट्रीब्यूट हुई है प्रोविंशनल गवर्नमेंट्स में और सेंट्रल गवर्नमेंट में? थ्री। कौन कौन सी? लेजिस्लेशन, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेशन। लेजिस्लेटिव का क्या मतलब है? मेकिंग लॉ, कानून बनाना। लॉ, कानून बनाना, पावर ऑफ लॉ मेकिंग। पावर ऑफ लॉ मेकिंग, राइट। और दूसरी कौन सी थी? फाइनेंशियल सर। फाइनेंशियल पावर, दैट्स ग्रेट। और थर्ड कौन सी थी? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। अच्छा, ये थ्री काइंड्स ऑफ पावर्स वर मेंशन। इसमें जो पहली लिस्ट है वो कौन सी है? इसमें पहली जो पावर है वो कौन सी है? एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि लेजिस्लेटिव है। लेजिस्लेटिव पावर्स वर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री लिस्ट। कौन कौन सी लिस्ट? फेडरलिस्ट, प्रोविंशियल, सेंट्रल, फाइनेंशियल। अच्छा, कोई एक बताए फेडरलिस्ट का से क्या मरा था? सर, इट वाज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स इन व्हिच सेंट्रल गवर्नमेंट वाज अलाउड टू मेक लॉज। दैट्स ग्रेट। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का कोई और बताए? Only provincial governments were allowed. कोई और बंदा बताए, what is the concurrent list? Subject in which provincial and federal government both are allowed to make laws, but if the conflict occurs, central government. हाँ, yes. Central government की बात मानी जाएगी।
बिल्कुल, दैट्स ग्रेट कंकरेंट लिस्ट वाज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स इन व्हिच बोथ द प्रोविंशियल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स वर अलाउड टू मेक लॉज बट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द लेजिस्लेशन बीइंग डन बाय द प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट्स देन द लेजिस्लेशन डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज सपोज्ड टू डोमिनेट और टू प्रिवेल राइट गाइस ओके अच्छा अब जरा गौर से सुना अब यहां से अब आपको कहानी समझ आना शुरू होनी है लेजिस्लेटिव पावर्स जो बताई गई कि लेजिस्लेटिव पावर्स तीन किस्म के तीन चीजों के अंदर डिवाइड की गई और अब मैं आपको बताता हूं कि लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स कितने थे जिसके अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को अलाउ किया गया कि वो कानून बनाए और फेडरल गवर्नमेंट्स को अलाउ किया गया कि वो कानून बनाए अब जरा गौर से सुनना है आप लोगों ने सबसे जो पहली लिस्ट थी उसको फेडरलिस्ट कहते हैं फेडरलिस्ट के अंदर टोटल 59 सब्जेक्ट्स वर प्लेस्ड हाउ मेनी सब्जेक्ट्स 59 अच्छा 59 में थ्योरी में क्या लिखा हुआ है सुप्रीम बट फ्यू पावर्स सुप्रीम बट फ्यू पावर्स और यहां पे फेडरलिस्ट में कितने पावर्स रखी गई हैं 59 वहां पे 1 2 3 4 5 दैट्स इट मींस अ फ्यू पावर व्हिच कुड बी एनुमरेटेड इन फिंगर टिप्स 1 2 3 4 दैट्स इट लेकिन यहां पे कितनी प्रपोज की गई 59 एरियाज अब जरा अगली बात सुने सेकंड बात प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को दी गई 54 पावर्स हाउ मेनी पावर्स 54 पावर्स और एंड कंकरेंट लिस्ट के अंदर किसने डोमिनेट करना था सेंटर ने Central government for lawmaking. 54 area given to the provisional government for law making and in concurrent list again the central government was dominating and there were total 36 areas bachcho meri baat samajh aa rahi hai yes sir. Yes, sir. Yes, sir. 59 mein bhi central government rule kar rahi hai 36 mein bhi kar rahi hai agar in dono ko ikattha kare aap to kitne ban jate hain ye 94 areas 94-95 areas बन गए and in 94-95 areas के अंदर which government was dominating central government federal or central एक ही government है ना तो federal और central government वार ये एक ही government है इन दोनों का ये federal government को ही central को federal कहते हैं तो 95 areas के अंदर your central government was dominating and in just 54 areas provisional governments they were allowed to make laws lekin ab aage jaake aapko pata chalega on one pretext or the other whatever the powers were given to the provisional governments yani in except to 95 areas aur bhi jo 54 areas that were being given to the provisional governments for the law making wo bhi on the one pretext or the other on one excuse or the other were being taken by the central government from the provisional governments and provisional governments were left with nothing और जब प्रोविंसेस को ये अथॉरिटी नहीं मिलेगी कि वो अपने मुल्क के अपने टेरिटरी के मामलात को चला सकें और सेंट्रल गवर्नमेंट हर बार अपनी नोज पोक करेगी इन द इंटरनल अफेयर ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स तो प्रोविंसेस के दरमियान पॉलिटिकल डेप्रिवेशन इंक्रीज हो जाएगी और जब पॉलिटिकल डेप्रिवेशन होगी तो आज फिर नारे लगेंगे ग्रेटर बलोचिस्तान का लर्व बर यू अफगान का ग्रेटर बलोचिस्तान लरवाबर यो अफगान और फिर महाजरिस्तान का जिनापुर का और बलारिस्तान के नारे लगेंगे और ये लग रहे ये था पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन लगाया गया जो होना तो फेडरल किस्म का चाहिए था कायदे आजम के वफात के बाद और फिर ये जो जो भी पावर्स दी गई वो भी ऑन दी वन प्रिटेक्स ऑफ दी अदर सारी की सारी ले ली गई और बच्चों मेरी बात समझ आ रही है फिर आप लोगों को अच्छा ये तो थी मैंने आपको बताया कि ये जो आपकी
जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी वो डिवाइड थी. अब मुझे कौन बताएगा कि लेजिस्लेटिव पावर के अंदर कौन डोमिनेट कर रहा था? सेंट्रल गवर्नमेंट. हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट डोमिनेट कर रही थी. हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितनी पावर्स होनी चाहिए थी? 4 to 5. जस्ट ऑफ द ओपिनियन के फ्यू अ फ्यू पावर्स है ना, फ्यू पावर्स होनी चाहिए. बेटा कोई बात पूछना चाह रहे हैं, कोई बात कहना चाह रहे हैं? ये मोहम्मद अहमद हैं या कोई और बंदा कोई बात करना चाह रहे हैं? ओके, अब आगे अगली बात सुने. अब आते हैं फाइनेंशियल पावर्स. फाइनेंशियल पावर मींस मनी मेकिंग पावर्स. मनी मेकिंग यानी कि आपको पता है ये जो वफाक की गवर्नमेंट है या प्रोविंशनल गवर्नमेंट्स हैं ये कैसे चलती हैं? कोई बताएगा कैसे चलती हैं? इनके पास पैसे कहां से आते हैं? बजट बनता है सर. टैक्सेस सर. टैक्सेस जितने बनते हैं. हाँ, टैक्सेस से. अच्छा, टैक्सेस एक सोर्स है. दूसरा क्या है? एक्सपोर्ट्स. जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स करते हैं आप, अपने मुल्क के अंदर पैदा होने वाली चीजों को बाहर भेजते हैं और वहां से पैसा लेते हैं. और तीसरा सोर्स इसका आता है कि आपके जो तारकीन वतन हैं, एक्सपैट्रिएट्स हैं, दे सेंड मनी बैक टू देयर होम्स, तो रेवेन्यू वहां से भी, वो भी पैसा भेजते हैं. और चौथी चीज ये है कि आप लोन्स लेते हैं वगैरह. तो कोई भी जो गवर्नमेंट है वो इन तीन चार सोर्सेज से चलती है. एक लोगों से टैक्स लेती है, टैक्स पेयर्स की मनी से ये गवर्नमेंट चलती है. दूसरा जनाब, जो मुल्क के अंदर चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं उनको बाहर भेजते हैं और उनको भेजने से जो रेवेन्यू आता है उससे मुल्क चलाते हैं. और तीसरी चीज़ ये है कि आप जनाब एक्सपैट्रिएट्स से बाहर से पैसा भेजते हैं वो. और चौथी बात ये है कि आप लोन्स लेते हैं, एड्स लेते हैं, ग्रांट्स लेते हैं. अब इसका मतलब है गवर्नमेंट के अपने तो ये जो लोग गवर्नमेंट बनाते हैं उनके अपने सोर्सेज तो कोई भी नहीं है गवर्नमेंट चलाने के. ऐसे ही है ना, आवाम देते हैं पैसे. यस सर. एक्सपैट्रिएट्स भी आवाम है. एक्सपोर्ट्स जो करते हैं लोग अपनी खून पसीने की कमाई से फसलें बीजते हैं, बोते हैं और फिर फैक्ट्रीज में काम करते हैं, वो प्रोडक्ट करते हैं और गवर्नमेंट उनको बाहर भेजती है, वो भी लोगों की मेहनत है. खेतों खलियानों के अंदर जो मेहनत होती है वो भी लोगों की मेहनत है. एक्सपैट्रिएट्स जो पैसे भेजते हैं वो भी अपने खून पसीने की कमाई घर भेजते हैं. और फिर जो लोन्स लिए जाते हैं वो भी लोगों की कमाई से ही उतारे जाते हैं. ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? यस सर. अब देखिए आगे जरा. मनी मेकिंग पावर्स यानी कि अब मैं आपको बताने लगा हूं कि किस किस्म की फाइनेंशियल पावर्स वर बीइंग शेयर्ड बिटवीन द प्रोविंशनल गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स. अब ये आंखें खोल देने वाली बातें हैं. लॉ मेकिंग के अंदर जो पावर्स दी गई उसमें तो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट डोमिनेट कर रही थी और मैंने आपको बताया ऑन वन प्रीटेक्स्ट और दी अदर. और एक एक वो आपकी किताब के अंदर बड़ी डिटेल में चीज़ें रखी गई हैं. क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है तो इसलिए मैं ज़रा जंप ओवर कर रहा हूँ. आप लोग इंशाल्लाह ये नोट्स मैं आपको दे दूंगा, वो पढ़ लीजिएगा. और दूसरी बात जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो ये कि फाइनेंशियल पावर्स, फाइनेंशियल पावर का ना मैक्सिमम सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, मैक्सिमम एंड मेजर पावर ऑफ मेजर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू मनी मेकिंग दे वर बीइंग गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. वजह क्या थी? ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान वॉज पासिंग थ्रू वेरी क्रिटिकल स्टेज और इट वॉज डिसाइडेड दैट वट एवर द सोर्सेज विच आर बींग प्रोड्यूस्ड बाई द प्रोविंशनल गवर्नमेंट्स फॉर 1, 2, 3, or 5 years मस्ट बी गिवन बैक टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू कंट्रोल द होल कंट्री, इन ऑर्डर टू गवर्न द होल कंट्री. पूरे मुल्क को गवर्न करने के लिए जो सूबों के पास रेवेन्यू सोर्स करने की चीजें हैं वो वफाक को दे दीजिए कुछ सालों के लिए, एक या दो सालों के लिए. मैं आपको एक मिसाल देके बताता हूं. अब जैसा कि इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स क्या है? यानी कि मैं अगर कमाता हूं या आप लोग कमाते हैं, आपके वालदैन कमाते हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है. अब ये सूबों के लोगों के ऊपर भी टैक्स लग रहा है और आवाम में भी लग रहा है, सारे लोगों में लग रहा है. और ये पहले सूबे इकट्ठे करते थे, ये अब अगर 23 करोड़ की आबादी है और वो पैसे कमा रहे हैं तो उन सब के ऊपर जो इनकम के ऊपर टैक्स लग रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया गया. दूसरा था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी टैक्स, साल्ट टैक्स. पाकिस्तान आपको पता है जब नया नया बना था तो उस वक्त दो तीन चीज़ों से ही पाकिस्तान पैसा कमाता था. एक तो पैसा कमाता था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से, जिसमें हमारी कॉटन, हमारी राइस, हमारी व्हीट
और हमारे जूट, जूट जो ईस्ट पाकिस्तान प्रोड्यूस करता था और बाकी ज्यादातर चीजें यहाँ से प्रोड्यूस होती थी, इनको हम बाहर भेजते थे, इनसे पैसा लेते थे और इनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी टैक्स लगती थी, फेडरल एक्साइज लगती थी वगैरह वगैरह। इसके अलावा एक और चीज भी थी कि हमारे मुल्क के अंदर जो बड़ा रेयर किस्म का और बहुत बड़ी काने हैं साल्ट माइंस के अंदर, खेड़ा के अंदर आप लोग गए होंगे, विजिट किया होगा, वहां से बड़ा क्वालिटी का पूरी दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा खजाना हमारे पास, और वो हम भेजते थे और वो भी देते और वो सुबह निकालते थे और बेचते थे, जिस सुबह पंजाब के अंदर था तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया गया। अच्छा, तो ये जो चीजें थी, ये जो चीजें थी ये किन्होंने करनी थी, ये चीजें करनी थी जनाब सूबों के पास थी, और ये के क्योंकि पाकिस्तान वाज पासिंग थ्रू वेरी क्रिटिकल स्टेज, सो व्हाइल मेकिंग दिस एक्सक्यूज के दिस मनी इज रिक्वायर्ड फॉर द डिफेंस बिकॉज इंडिया वाज पुशिंग फ्रॉम द ईस्टर्न साइड एंड अफगानिस्तान वाज नॉट विलिंग टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान फ्रॉम वेस्टर्न साइड एंड ऑन द नॉर्दर्न साइड सोवियत यूनियन वाज सिटिंग, सो पाकिस्तान वाज बीइंग मेड सैंडविच फ्रॉम द थ्री साइड्स, और अंडर द लीडरशिप ऑफ कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना इट वाज डिसाइडेड दैट फॉर जस्ट टू इयर्स दीज रेवेन्यूज वुड बी कलेक्टेड और गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू फुलफिल द डिफेंस नीड्स। लेकिन कायदे आजम की वफात के बाद ये चीजें वर बीइंग मेड फॉर परमानेंट, उसको परमानेंट बना दिया गया और सूबों के पास से ले ली गई। सेल टैक्स की मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये सूबों से ले लिया गया, हालांकि ये सूबों का था और इसके अंदर लिखा हुआ था कि सूबे टैक्स इकट्ठे करेंगे, लेकिन कितने साल के बाद 18वीं तरवीम में सूबों को सेल टैक्स इकट्ठे करने की इजाजत मिली है 2010 में, यानी 47 से लेकर 2010 में तकरीबन आफ्टर 65 ईयर्स और 62-63 जितने भी साल बनते हैं आप देखें 62-63 के ईयर्स के बाद सूबों को सेल टैक्स 18वीं तरमीम में जाके मिला कि हाँ सूबे। तो ये सारी चीजें जो एक या दो साल के लिए लेके गई थी वो 65 सालों के लिए सूबों से ले ली गई और सूबों के पास कुछ नहीं बचा। ज्यूट अब जैसा कि मैं आपको मिसाल देते बताता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा था कि ज्यूट का जो ज्यूट आपको पता है ईस्ट पाकिस्तान प्रोड्यूस करता था और उसको गोल्ड ऑफ ईस्ट पाकिस्तान भी कहते थे, और इसमें बताया था कि 62.12% वुड बी गिवन टू दी ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द रेस्ट ऑफ एवरीथिंग वुड बी गिवन टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी 62 जो भी एग्रीकल्चर ज्यूट प्रोडक्ट पैदा हो रही थी उसका 62.12% वाज टू बी गिवन टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लेकिन इसमें चेंज किया गया और 50-50% रेशियो कर दी गई और बाद में 50 से भी बढ़ा के ले ली गई। तो बच्चों मेरे कहने का मतलब है, जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स लाइक द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर लाइक द लेजिस्लेटिव पावर दे वर नॉट हैविंग द इवन मनी मेकिंग पावर्स। So how to govern then the provisional affairs? Provisional affairs को चलाना कैसे था और कैसे चलने थे उन्होंने, उनके पास तो कोई चीज रह नहीं गई थी और जो चीज उनके पास थी वो on the one pretext or the other were being taken over by the central government and they were not given back to them. और उनको दिया नहीं गया। बहुत सारी मिसालें लिखी हुई हैं फाइनेंशियल पावर्स के अंदर, मैंने आपको बताई हैं, आप लोग जब अपने नोट्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अब आता हूं, चलें ये तो सारी बातें समझ आई हमको कि बहुत ज्यादा चीजें समझ आ गई हमें कि लेजिस्लेटिव के अंदर भी सेंट्रल गवर्नमेंट डोमिनेट कर रही थी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर भी सेंट्रल गवर्नमेंट और फाइनेंशियल अफेयर्स के अंदर भी सेंट्रल गवर्नमेंट पर है एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स दे वर सपोज दे वर इवन बेगिंग फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव देम मनी इन ऑर्डर टू डू समथिंग फॉर देयर पीपल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट यू नो हु वर रूलिंग इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एट दैट टाइम फ्रॉम स्टार्टिंग 1947 टू 1973 नॉट अ सिंगल डेमोक्रेटिक सेटअप वॉज देयर on one way or the other. If the prime minister was democratic, the governor or the president was from the bureaucracy of military. Or ye jo elite that was dominating Pakistani affairs at that time, they were not having anything for they were not doing anything for the interest of Pakistan. Rather, they were doing what? Looting. For they were preferring their own interest over the national interest. Aur ye sara khai piye ja rahe the aur phir jo kuch hua Pakistan ke. Ab aata hu administrative power. Ab na to legislative power ना ही फाइनेंशियल पावर है, अब आखिरी चीज रह गई है जो ब्राय नाम होती है जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर या पावर ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस उसी वक्त होती है जब आपके पास लॉ मेकिंग पावर हो, जब आपके पास पैसे हो तो फिर ही मुल्क को गवर्न कर सकते हो ना, वैसे तो गवर्न ही नहीं कर सकते। अब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का मतलब है पावर ऑफ गवर्नेंस, पावर ऑफ गवर्नेंस या एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये पावर्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी थी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास भी थी। अब मैं आपको मिसाल दे के बताता हूँ।
आंखें खोल देने वाली बातें हैं कि हमारे 1947 में के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या था। फिर आप लोग कहते हैं मुल्क टूटना नहीं था तो क्या था, ना उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, ना उनके पास फाइनेंशियल पावर, ना उनके पास लेजिस्लेटिव पावर, तो मुल्क ही टूटना था। अब मैं आपको बताता हूँ और आप लोगों की जरा आंखें खुलेंगी। और ये हमने अपने 1947 में अपने मुल्क के साथ किया, और 71 में फिर ईस्ट बंगालियों ने समझ लिया कि हमें पाकिस्तान से कुछ नहीं मिलना, दे डिसाइडेड टू गो अवे। अब इस भी जो बेचारा थोड़ा सा पाकिस्तान रह गया, इसके अंदर भी वो ही डर्टी माइंडसेट इज डोमिनेटिंग। इसी डर्टी माइंडसेट की वजह से ये बलारिस्तान, ग्रेटर बलोचिस्तान, सिंधु देश, जनापुर, लर्वबर, यू अफगान के नारे लग रहे हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट विलिंग टू सी। और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जाके बैठता है, इमरान खान को लेकर आए थे, इमरान खान भी देखें कह रहे हैं 18वीं तरमीम पाकिस्तान की सबसे खौफनाक चीज है। 18वीं तरमीम में कुछ चीजें बहुत गंदी हैं, लेकिन कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं, और वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा डेंजरस चीज है। ये मैं आपको बताता हूँ। अब जरा आए एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के ऊपर। अच्छा, अब एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है गवर्नेंस। सबसे पहले तो गवर्नर जनरल जो प्रेसिडेंट था, गवर्नर जनरल, उसके पास तीन किस्म की पावर थी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का गवर्नर जनरल था, बाद में प्रेसिडेंट के पास ये तीन पावर्स आ गई। तो गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान वाज हैविंग थ्री काइंड्स ऑफ पावर। पहली थी पावर ऑफ अमेंडमेंट, पावर ऑफ अमेंडमेंट, पावर ऑफ एमरजेंसी एंड रेजिड्यूरी। अमेंडमेंट, पावर ऑफ अमेंडमेंट, पावर ऑफ एमरजेंसी एंड पावर ऑफ और रेजिड्यूरी पावर्स, ये थ्री काइंड्स ऑफ पावर, ये गवर्नर जनरल की पावर्स थी। अब मैं आपको मिसाल देके बताता हूं। और उसका एक रिप्रेजेंटेटिव होता था जो सूबे के ऊपर बैठता, उसको गवर्नर कहते हैं। जैसे आप भी आज आप पंजाब में भी गवर्नर देखेंगे, आपको पता है सर्वर है, गवर्नर साहब, जनाब सर्वर साहब गवर्नर है पंजाब के। तो ये जो गवर्नर होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है प्रोविंशनल गवर्नमेंट में। और ये जो प्रोविंशनल गवर्नमेंट में जो गवर्नर बैठा होता था और जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो गवर्नर जनरल बैठा होता था, दीज पीपल वर लिटरली डेमिगॉड। दे वर हैविंग द मैक्सिमम एंड ऑल एंड ऑल पावर्स इन देयर हैंड्स, मैक्सिमम पावर्स इनके पास थी। हमें मिसालें देता हूं मैं। पहली, आप पहली मिसाल जरा गौर से सुनिएगा। अ पावर ऑफ अमेंडमेंट से क्या मुराद है, ये एडमिनिस्ट्रेशन में बता रहा हूं, जरा गौर से सुन लीजिएगा। क्या मतलब है पावर ऑफ अमेंडमेंट से? अमेंडमेंट का मतलब यह है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और इफ दिस प्रोविंशनल गवर्नमेंट्स दे आर गोइंग टू मेक एनी लॉ और दे आर गोइंग टू टेक एनी इनिशिएटिव इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द गवर्नेंस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरी, देन द गवर्नर जनरल इफ इज नॉट इन रिकंसिलिएशन वुड बी प्रपोजिंग दैट डू दिस, डोंट डू दिस, डू दिस, डोंट डू दिस। यानी कि अमेंडमेंट का मतलब है वट एवर द इनिशिएटिव और लॉ इज बींग मेड और टेकन, वो उसको कहेगा ब्रिंग चेंज। अमेंडमेंट का मतलब है उसके अंदर चेंज लेकर आओ। तो गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द गवर्नर इन प्रोविंशनल अफेयर वॉज कंट्रोलली फुली इंटरवीनिंग इन द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स ऑफ द प्रोविंशनल गवर्नमेंट, क्योंकि उसके पास अमेंडमेंट की पावर थी। दूसरी थी रेजिड्यूरी पावर। रेजिड्यूरी यानी कि ऐसा कोई, अगर प्रोविंशनल गवर्नमेंट को कोई ऐसा मसला दरपेश आ गया है जिसके बारे में ना तो कंकरेंट लिस्ट में लिखा है, ना प्रोविंशनल गवर्नमेंट में लिखा है, प्रोविंशनल लिस्ट में लिखा हुआ है, ना ही इसको फेडरल लिस्ट में डिस्कस किया गया, तो यहाँ पे द डिस्क्रिशन ऑफ योर गवर्नर वुड बी टेकन एज फाइनल। वो कहेगा डू दिस, डोंट डू दिस। और अगर प्रोविंशनल गवर्नमेंट्स कहे कि नहीं मैंने ये नहीं करना, अब मैं ये नहीं करूंगा, तो वो फिर कहता पावर ऑफ एमरजेंसी। एमरजेंसी का मतलब पूरे के पूरे गवर्नमेंट को घर भेज देता था, वो जो पूरा सूबे के अंदर गवर्नर राज लगा देता था। तो पावर ऑफ अमेंडमेंट, रेजिड्यूरी पावर्स और एमरजेंसी पावर्स, इन दीस थ्री पावर्स। रेजिड्यूरी रिपीट कर दें। रेजिड्यूरी पावर्स फॉर दोस पावर्स व्हिच आर नॉट बीइंग डिस्कस्ड इन ईदर ऑफ इन एनी ऑफ द लिस्ट, एंड रेजिड्यूरी मींस लेफ्ट ओवर पावर, रिमेनिंग पावर्स। और दे दीस लेफ्ट ओवर पावर और रिमेनिंग पावर्स वर गिवन टू द गवर्नर, गवर्नर और द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। सेंट्रल गवर्नमेंट में गवर्नर जनरल के पास और प्रोविंशनल गवर्नमेंट में गवर्नर के पास। रेजिड्यूरी का मतलब लेफ्ट ओवर पावर। तो उसके अंदर हु वाज टू बी कंसीडर्ड एज फाइनल, द गवर्नर, द कंसेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर को कंसीडर करना था। और अगर प्रोविंशनल गवर्नमेंट कहती हमने नहीं ये करना, तुम जो प्रपोज कर रहे हो अमेंडमेंट में हमने नहीं करना, और रेजिड्यूरी पावर भी नहीं, अगर वो नहीं मानते थे, वो कहता था लुक हियर आई एम हैविंग द इमरजेंसी पावर,
इफ यू विल नॉट बी रिकंसाइलिंग विद मी आई विल बी सेंडिंग बैक टू होम, मैं सबको घर भेज दूंगा, गवर्नर राज लगा दूंगा। सूबों के पास बचा क्या? ना लेजिस्लेटिव की पावर्स, ना एडमिनिस्ट्रेशन की पावर्स, और ना आपके पास फाइनेंशियल पावर। बचा क्या सूबों के पास? तो फिर ग्रेटर बलोचिस्तान का नारा लगना है कि नहीं लगना? और ये हुआ, और इसी वजह से पाकिस्तान टूटा। लोगों ने आंखें बंद की हुई थी, पागल हुए हुए थे ये सारे के सारे लोग, और इन्होंने सत्यानाश किया मिलके पाकिस्तान का। और ये इस तरीके से तो मुल्क हमारा खराब हुआ है। अब आप देखें जो हमने स्टार्ट लिया है कहां से, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में प्रॉब्लम देखे थे क्या थे, फिर डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी पढ़ाई, देखे थे क्या प्रॉब्लम आए पाकिस्तान के अंदर। और अब मैं आप लोगों को फेडरलिज्म पढ़ा रहा हूं पाकिस्तान में, जरा चेक करें पाकिस्तान में चल क्या रहा था। और मुझे ये तारीख इतनी गंदी है कि ये आपको पढ़ाई नहीं जाती, क्योंकि अगर पढ़ाई जाए तो इन ये जो मुकद्दस गायें बैठी हुई हैं, हर बंदा उठ के जूते मारे इनको। ये इतनी गंदी तारीख है पाकिस्तान की, इसलिए तो पढ़ाई नहीं जाती और हमारे मुल्क का सत्यानाश हो रहा है। मैं 2-3 मिनट में क्वेश्चंस लेना चाहूंगा आप लोगों से। जी बेटा। सर ये पावर ऑफ रेजिडेंसी में तो प्रोविंसेस या गवर्नर जो थे प्रोविंस के, उसको तो फुल पावर्स दिए जा रहे थे ना, तो प्रोविंसेस को तो नहीं दी जा रही थी? नहीं, प्रोविंस में जो गवर्नर बैठे होते हैं वो प्रोविंस के ही तो होते सर। प्रोविंस के नहीं होते बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। गवर्नर प्रोविंस के लिए नहीं होते सर, गवर्नर जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट होता है। गवर्नर, गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट होता है, प्रोविंस का गवर्नर नहीं होता वो। जैसे सिंध में गवर्नर इस्माइल है इस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट। हां, वो किसका है, किसका गवर्नर है? वो पीटीआई का, सेंट्रल गवर्नमेंट का गवर्नर है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अतीक हुसैन जी सर। जी सर, ये प्रोविंशियल अपना बंदा नहीं लेकर आते, ये कौन सा बंदा होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का बंदा होता है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू जी बेटा। और बेटा, और सर, आपने ज्योग्राफिकल टेरिटरी सब कहा था पिछले लेक्चर में, मैं नहीं था, तो वो काइंडली दोबारा एक्सप्लेन कर दें। अहमद बेटा, वो मैंने सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, उसके नंबर सारे रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएंगे बेटा। वो चीजें बहुत हमने 4-5 बार डिस्कस की हैं, तो आप परेशान ना हो। कोई और सवाल पूछें बेटा? ठीक है सर, थैंक यू बेटा। कोई और सवाल? अफरोज भट्टी, अहमद रजा। yes. अफरोज बेटा, समझ आ रही है? yes, सर, आ रही है। ओके, सैदल खान। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा। सर ये प्रीवियस दो क्लासेस मैंने नहीं ली थी, क्योंकि सर मैं ट्रेवल कर रहा था क्वेटा सर, तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे इसके सर? जी बेटा, हर लेक्चर मिलेगा, परेशान नहीं होना आपने। अच्छा क्वेश्चन, आप लोगों के पास कोई और क्वेश्चन नहीं है बेटा? ये पूछना चाह रहे हैं, कोई चीज कहना चाह रहे हैं? तर्मीन के बारे में भी पढ़ेंगे। आदिल अहमद पूछना चाह रहे हैं। आदिल बेटा, क्या पूछना चाह रहे हो? आदिल अहमद सर, ये जो आपने पावर ऑफ अमेंडमेंट का, इसमें आदिल जोर से बोला, आवाज नहीं आ रही सर। ये जो पावर ऑफ अमेंडमेंट आपने बताया जी, इसके बारे में सर, गवर्नर जनरल जो चेंजेस लाते हैं वो सर थोड़ा सा डिफाइन करें। अमेंडमेंट का मतलब है, अगर कोई लॉ बनाया है प्रोविंशनल गवर्नमेंट ने, तो गवर्नर के पास पावर है कि उसमें अमेंड कर सके। अमेंड का मतलब है चेंज कर सके। ठीक है, प्रोविंसेस तो अपनी बेचारी लोगों की जरूरियात को देख के कानून बनाते हैं। अब वो अगर गवर्नर जनरल साहब को या गवर्नर को पसंद नहीं आया, तो वो कहेगा इसको चेंज करो। अब आते हैं बेटा। जी बेटा साकिब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा, वालेकुम सलाम। सर हमारे पास नोट्स नहीं है पाक स्टडी के। आ जाएंगे बेटा, आ जाएंगे, टेंशन आज आज इंशाल्लाह मिल जाएंगे आपको। इमादुद्दीन, इमादुद्दीन है हमारे पास? शुक्रिया सर, थैंक्स। इमाद, इमादुद्दीन, नहीं है इमाद बेटा। सर, और एक बात पूछनी थी सिलेबस में तो, सर आप यूनिवर्सिटी में जो फोटोकॉपी शॉप्स वगैरह हैं वो ओपन है या नहीं? ओपन है बेटा। चलें ठीक है, वो मैंने नोट्स लेने आना था पाक स्टडीज के, तो नहीं बेटा आने की जरूरत नहीं है, हम अब आपको सॉफ्ट कॉपी देंगे और लेक्चर्स देंगे आपको, परेशान ना हो आप। ठीक है सर, प्रीवियस वाले भी चाहिए ना? वो भी मिल जाएंगे आपको, परेशान ना हो आप। अहमद अतीक। जी बेटा, अहमद अतीक पूछिए। मुझे की कहते हैं ये एक बात समझ नहीं आ रही कि आपने जिस तरह बोला कि 62-63 इयर्स का मैटर है वो टैक्सेस वाला, एंड अभी तक के कहते हैं ये जो जो सब कुछ मैटर वगैरह चल रहा है प्रोविंशियल, प्रोविंशनल, सेंट्रल में,
तो सर मतलब कि हमें पढ़ाया तो नहीं गया इस बारे में, लेकिन ये इतना अंडरकवर या इतना हिडन मामला किस तरह हो सकता है अगर इतना सीरियस? बेटा जब तक चीजें पता ना हो तो हिडन ही होती हैं, जब पता चल जाए तो वो हिडन नहीं रहती। क्योंकि आप मुझे बताएं, आपकी छठी क्लास से लेकर आज तक पाकिस्तान की ये चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं? कभी पढ़ी हैं आपने पाकिस्तान स्टडी? तो जब पाकिस्तान बनता वहां पे आके खत्म हो जाती हैं, ऐसा ही है ना बेटा अहमद अतीक? यस सर। आपकी तारीख कहाँ पे आके खत्म होती है? वार ऑफ इंडिपेंडेंस से शुरू होती है और 1947 पे खत्म हो जाती है पाकिस्तान स्टडी। ये पाकिस्तान स्टडी पढ़ी है इसलिए तो आपको पता नहीं है, और अंडरकवर है, जानबूझ के इसको रखा गया है ताकि ये तारीख पता ही ना चले हम लोग, हमारे लोगों को, सबको पता है कि सारे इस महाम के अंदर आपको पता है कि रंगे हाथ बैठे हुए हैं और ब्लडीड हैं सारे लोग, ये सारे के सारे। और ये तारीख अगर पढ़ाई जाए तो आज पाकिस्तान की कौम के खास किस्म का विजन बिल्ड हो और वो फिर उस तरीके से लोग देखें। जब अब आपको पता चल रहा है और ये अनडिनाइबल है और ये अब आपको पता चल रहा है तो आप लोगों की अप्रोच खास अंदाज के अंदर डेवलप होगी, होगी कि नहीं होगी बताइए? यस सर। जब ये सारा कुछ जी बेटा इधर के लोगों को जब पता चला कि मतलब उनको भी पता होगा ना उस टाइम के लोगों को भी कि ये एक तरीके से गलत है एंड इवेंचुअली मतलब कि इस तरीके से जाएगा, तो उसे कोई उधर की रिकॉग्नाइजेबल मूवमेंट वगैरह या कोई इस तरह की? बहुत थी बेटा, बहुत ही। आप जरा उठा के देखें, अभी तो मैं सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट चीजें पढ़ा रहा हूँ। आप पाकिस्तान के पहले 30 साल के ऊपर एक बुक लिखी हुई है अहमद सईद की है मेरा ख्याल है, और भी मैं 3-4 किताबें आपको रिकमेंड करूंगा, आप लोग पढ़ेंगे आप लोग देखेंगे कि रिलीजन के नाम पे, एथनिसिटी के नाम पे, पॉलिटिकल राइट्स के नाम पे पाकिस्तान में बेपनाह मूवमेंट्स चलती थी। जैसा कि आज आप देख रहे हो ना, कुछ लोग इकट्ठे होकर कल का जलसा उन्होंने किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज नॉट विलिंग टू अलाउ देम टू डू दिस। इसी तरीके से पहले भी हुआ करता था, इसी तरीके से, और बेपनाह मूवमेंट्स थी, बेपनाह। लेकिन कोई बंदा था जो मानने वाला होता? कोई भी मानने वाला नहीं था। बट सर ये जो जलसे वगैरह कर रहे हैं मतलब प्रीवियस गवर्नमेंट्स वाले, ये सब भी तो ऐसे ही गुजरे हैं ना, इन सबको भी तो देख ही लिया है, इनका क्या फायदा अब? सही कह रहे हैं आप। इमरान खान ने नून लीग की गवर्नमेंट को पैरालाइज किया हुआ था 2.5 साल के लिए, कुछ काम नहीं करने दिया। अब इमरान खान के साथ भी वही कुछ होना है आइंदा 2-3 साल के दौरान, जैसा करोगे वैसे भरोगे ना सर। ऐसी जी अली बेटा, क्या अली रजा क्या कह रहे हो सर? फिर ऐसी डेमोक्रेसी का फायदा जो भी है वो दूसरे को काम ना करने दे, सिर्फ जाती मुफाद। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप लोग अपने बंदे जो चुनते हो, ये बुत प्रस्ती है हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में, दिल और दिमाग में बुत प्रस्ती बैठी हुई है। हमें नवाज शरीफ के अलावा, जरदारी के अलावा, ये इमरान खान के अलावा कोई बंदा और अच्छा नजर आता ही नहीं है। ये बुत प्रस्तियां हैं हमारी, और जब तक हम जी बेटा उमर क्या कह रहे हो? इमरान खान का तो अभी फर्स्ट टाइम है ना, उसे तो फर्स्ट टाइम चले 2.5 साल के अंदर कोई 2-4 ही प्रॉमिस पूरे कर देता, 1 लाख प्रॉमिस से क्यों उमर? सर जब मैं जो अच्छा चले हम सियासी बात नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। अब आते हैं 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, जरा गौर से सुन लीजिएगा। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन का अब हम डिस्कस करें, माइक बंद कर दें बेटा अपने। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अब हमने चीजें देखनी है। अब देखें ये, दिस कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड आफ्टर द एफर्ट ऑफ हाउ मेनी इयर्स? 9 years. 9 years के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने हासिल किया है। अब इसके अंदर भी हम आपको बताते हैं क्या क्या चीजें थी, जरा गौर से सुनिएगा। लाइक 1947 कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर भी 3 काइंड्स ऑफ पावर्स वर बीइंग शेयर्ड बिटवीन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। पहली वॉज द लेजिस्लेटिव पावर, द अदर वॉज द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, द थर्ड वॉज द फाइनेंशियल पावर। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू 3 स्फीयर्स, फेडरलिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। ठीक है बेटा, वही स्ट्रक्चर है वही। अब जरा इसमें देखिए, फेडरलिस्ट में कितने एरियाज प्रपोज किए गए थे 1947 इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन? 59 एरियाज। और यहां पे फेडरलिस्ट के अंदर टोटल 30 लिस्ट्स,
30 areas were given to the federal government. How many areas? 30. वहाँ पे कितने थे? 59. यहाँ पे कितने? 30. Okay. उसके बाद जो प्रोविंशियल लिस्ट थी उसके अंदर 94 areas प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को दिए गए, उसमें पहले में कितने थे? 54. आप कितने? 94. That's great. और कंकरेंट लिस्ट के अंदर 19 areas were being given added in the concurrent list. और पहली वाली लिस्ट में कितने थे? 36. What is your point of view while looking towards these stats? क्या नजर आता है आपको? इम्प्रूवमेंट आई है उसमें, मतलब जो प्रोविंशियल है उनको ज्यादा पावर्स दी गई है, डिस्ट्रीब्यूट की गई है उनमें पावर्स, और प्रोविंसेस के पास ज्यादा है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास काम है उनको थोड़ा. अच्छा अब जरा देखें, 30 वो पावर्स जो इस वक्त दी गई है और 19 को मिलाएं टोटल कितने हो गए? 49. अराउंड 50 हो गए. यस सर. यस. ओके अब जरा अगली बात सुनिए, थ्योरी में कितने लिखे हैं? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कितने लिखे हैं? सुप्रीम एंड फ्यू. सुप्रीम एंड फ्यू, दैट्स ग्रेट अरिशा बेटा, शाबाश. अब जरा अगली बात देखिएगा जरा. अब ये अपेरेंटली इट सीम्स एज इफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स दे गॉट मोर पावर्स अपेरेंटली, राइट? ऐसे नजर आ रहा है. Yes, sir. But there was a twist. Which were being collected by federal government, were grouped together to count them as one. यानी कि 9 different taxes को एक consider किया गया. ये मैं एक मिसाल दे रहा हूं आपको. And 20 different taxes which were to be collected by the provincial governments were taken as 20 different subjects. मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. वहां पे क्या किया, 9 डिफरेंट टैक्सेस वर ग्रुप टुगेदर टू काउंट देम एज वन यूनिट, उसको एक वन. और यहाँ पे 20 डिफरेंट जो टैक्सेस थे दे वर कंसिडर एज 20 डिफरेंट सब्जेक्ट्स. और बच्चे मेरी बात समझ आई है? Yes, sir. So, yeah, apparently it seems as if provincial governments got more powers because the figure was around 94 and people thought that somehow more, and but still twists were there. Ji Faik Amir, kya keh rahe ho beta? Faik? Sir, thodi galti se hand raise ho gayi. Okay. Bachcho, meri baat samajh aayi hai? सर लेकिन 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस को एक ही यूनिट में कैसे कंसीडर किया जा सकता है? किया उन्होंने, उसको एक कंसीडर किया गया सर, उसको ग्रुप करने के बाद एक कंसीडर किया गया, ठीक है. और 9 डिफरेंट टैक्सेस को एक कंसीडर किया गया, और जो ये जो आपके 20 डिफरेंट टैक्सेस जो के इसके अंदर 94 के अंदर कंसीडर किए गए, they were being considered as 20 different subjects. So, इस तरीके से डंडी मारी गई, फिर भी डंडी मारी गई. लेकिन फिर भी, लेकिन अभी अगली बात सुने. चलो कुछ somehow satisfaction आती है, पचास उधर हो गए और 20 और 9 को अगर एक कंसिडर कर रहे हैं तो 20 को 20 डिफरेंट कर रहे हैं तो सब ऐसा लगता है कि वही रेशो कायम हो गई जो पहले थी. अब लेकिन अगर जी बेटा अब्बास क्या कह रहे हो? ओके गाइस, अब अगली बात सुने जरा. फाइनेंशियल पावर्स के अंदर भी यही केस था, और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के अंदर पहले गवर्नर जनरल होता था, अब प्रेसिडेंट आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट में, और उसका रिप्रेजेंटेटिव प्रोविंशियल गवर्नमेंट में सेम रहा, वो कौन था? गवर्नर था. अब यानी 1956 के बाद
गवर्नर जनरल वॉज रिप्लेस विद द स्लॉट ऑफ प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी के साथ, और लेकिन उसका जो सूबे के ऊपर जो था वो मामला एक था। लेकिन अब प्रॉब्लम जरा गौर से सुनिएगा, जरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा हूँ आप लोगों को। अच्छा, अब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के अंदर गवर्नर वाज हैविंग थ्री पावर्स, पावर ऑफ अमेंडमेंट, पावर ऑफ इमरजेंसी और रेजिड्यूरी पावर्स, ये तीन पावर्स थी। इसमें भी तीन पावर्स थी 56 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी, द गवर्नर जनरल, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द गवर्नर एट प्रोविंशियल लेवल, दे वर हैविंग थ्री पावर्स, इनके पास तीन पावर्स थी, अमेंडमेंट, एमरजेंसी एंड रेजिड्यूरी। यानी कि अभी भी इन्होंने इसकी जो पावर्स हैं उन्होंने सूबों को जकड़ा हुआ था, एंड दे वर नॉट एबल टू ब्रेक फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम द क्लचेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। नहीं, वो काबू किया हुआ था। और फाइनेंशियल अफेयर्स के अंदर भी यही मामला थे, बहुत सारे पहले मामला दे दिया, रेलवे दे दिया और दूसरी चीजें दे दी, बाद में ले ली उनसे, और इस तरह की चीजें दे दी और वापस ले ली, एजुकेशन दे दी वापस ले ली, जो ज्यादा फंड पैदा करने वाले जो सोर्सेज हैं, कान कुनी है, माइंस हैं, वो ले ली फिर वापस ले ली, दे दी फिर वापस ले ली, इस तरीके से ये मामला चलता रहा। अब अगली बात सुनिए जरा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के अंदर अगर हम कंपेयर करें बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1947 एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, तो एक फर्क नजर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स में। वो फर्क क्या है? In 1947 constitution के अंदर the governor, the governor of province used to direct the provincial government to do it as he was commanding. यानी he used to direct, governor used to direct, उसको order देता था, do as I command, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करो। बच्चे मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. लेकिन जो 56 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया था कि गवर्नर एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मींस द चीफ मिनिस्टर, दे वुड बी कंसल्टिंग विद ईच अदर, वो कंसल्ट करेंगे, वहां पे वो ऑर्डर देता था, यहां पे ये कंसल्ट करेंगे। लेकिन एक और ट्विस्ट इसमें रखा गया कि आफ्टर कंसल्टेशन अगर द सी एम ऑफ द प्रोविंस इज नॉट रिकनसाइलिंग विद द विश ऑफ द गवर्नर, देन इवन द ऑर्डर ऑफ द गवर्नर वुड बी टेकन एज फाइनल। बच्चे मेरी बात समझ आई है? मतलब के बात तो वहीं पे रही ना, बात वहीं पे रही, सिर्फ वहां पे ऑर्डर की बात कर दी गई, यहां पे कंसल्टेशन की बात कर दी गई, लेकिन द फाइनल अथॉरिटी वॉज ऑलवेज विद द स्लॉट ऑफ गवर्नरशिप इन एट द प्रोविंशियल लेवल, वहीं पे बस ये। अब आते हैं, बाकी सारा स्ट्रक्चर नोट्स के अंदर है, पढ़े, मैं टाइम खत्म हो रहा है, मैंने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझानी है आपको। अब आते हैं 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में, सुन ले जरा। 47 का कॉन्स्टिट्यूशन समहाउ एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन था, क्योंकि वो सूबों को सूबे समझता था। 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन भी एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन था, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, लिस्टें थी, थोड़ी थी पावर, ज्यादा थे। लेकिन 1962 के अंदर नो पावर वॉज बींग शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशनल गवर्नमेंट। प्रोविंशनल गवर्नमेंट वॉज नॉट हैविंग लेजिस्लेटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, नो फेडरलिस्ट, प्रोविंशनलिस्ट, कंकरेंटलिस्ट, कुछ नहीं था। देर वॉज ओनली वन लिस्ट जिसको फेडरलिस्ट कहा जाता था, एंड इट वॉज कंपोज ऑफ 49 एरियाज, और पूरे मुल्क को, सूबों को खत्म कर दिया गया था। वन यूनिट में आगे पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को, वन यूनिट के बाद सूबों को खत्म कर दिया गया और पूरे मुल्क में एक लिस्ट बनाई गई जिसको लोग मार्शल लिस्ट के नाम के से कहते थे, उसको मार्शल लिस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट थी, दैट वॉज कंपोज ऑफ 49 एरियाज, क्योंकि मार्शल लॉ की गवर्नमेंट थी तो उसने एक लिस्ट बना दी। बाद में जब ये मार्शल लॉ खत्म भी हो गया और इलेक्शन हो गए, फिर भी लिस्ट को चेंज नहीं किया गया। ये 62 के कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि द कंट्री वॉज बेसिकली अ फेडरल स्टेट बट इट वॉज लिटरली बींग गवर्न्ड लाइक अ यूनिटी स्टेट, और पूरे मुल्क के सूबों के अख्तियारात को सलब कर दिया गया। और याद रखिएगा, ये वो टाइम है जिसके 9 साल के बाद मुल्क टूट गया। 62 का कॉन्स्टिट्यूशन आया, इट वॉज नॉट हैविंग एनी पावर शेयरिंग, नो फेडरल, नो प्रोविंशनल, नो कंकरेंट, नो एडमिनिस्ट्रेटिव, नो फाइनेंशियल, नो लेजिस्लेटिव, कोई पावर शेयर नहीं की गई।
और पूरे मुल्क को यूनिटी स्टेट बना दिया गया और फेडरल सिस्टम ही खत्म कर दिया गया पाकिस्तान में से 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड इट वाज हैविंग 49 एरियाज। और ये 49 एरियाज किसको दिए गए? फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल को सर, फेडरल गवर्नमेंट को दिए गए। और ये मार्शल लॉ का दौर था, फेडरल को दिए और अंदाजा करें 47 से लेकर 73 तक मुल्क के अंदर एक इमरजेंसी लगी एक मार्शल लगा, एक इमरजेंसी लगी एक मार्शल लगा, यही चल रहा था। 44 के अंदर असेंबलियां डिसॉल्व हुई, 56 के अंदर मार्शल लगा दिया गया, 56 का कॉन्स्टिट्यूशन का दौर, 58 में मार्शल लगा दिया गया, 62 में मार्शल का कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आया गया, 69 में एक और मार्शल लगा दिया गया और मुल्क टूट गया। आप कहते हैं हमारे मुल्क के साथ क्या हुआ? आप कहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की क्यों नहीं करता? आप ये कहते हैं कि हम कब तक इस तरीके से चलते रहेंगे? ये इस मेंटालिटी को लेडीज एंड जेंटलमैन आप लोग पढ़े हो, यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, यू पीपल आर सपोज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन विद योर कंट्री। और ये चीजें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर लिखी हुई हैं, ये कोई आम किताब या कोई कहानी या कोई न्यूज़पेपर में लिखी चीजें नहीं पढ़ाई। उठाएं 1947 का कॉन्स्टिट्यूशन, उठाएं 56 का कॉन्स्टिट्यूशन, 62 का कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखी हुई चीजें मैंने पढ़ाई हैं। जैसे कि अहमद मुझसे अभी पूछ रहे थे कि सर ये इतना हिडन और सीक्रेट क्यों रहा, इसको क्यों नहीं ओपन आने दिया? जी माहम शबीर बताइए बेटा। सर अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज हमें कुछ नजर आती हैं, सर अब ये इतनी बड़ी पावर्स बन चुकी हैं कि हम किसी एक स्पेसिफिक इंसान को नहीं ऊपर ला सकते अगर वो ठीक भी हो, क्योंकि ये अब इतनी बड़ी पावर्स बन गई हैं, एक इंसान सबको सही नहीं कर सकता। आप चलें कोशिश तो करेंगे ना, आप ये ऐसी बातें नहीं करते, सबसे पहले हमें अपने आप को सही करना फिर आगे होंगे। जब तक हम इन लोगों को अच्छी और बुरी की तमीज रखते हुए इनको वोट नहीं करेंगे उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं होना। अच्छा बेटा मेरी बात सुने, अगली क्लास में एक आपका कोई इजारा है, कोई इजारा है आपका वार अगेंस्ट टेररिज्म और दूसरा कोई इजारा है आपका इसका कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस का, ये मूडल के जरिए होना और उसका टाइम फ्रेम लगा होगा, उसको आपने करना है। दूसरा जो क्विज आपका आ रहा है, जो असेसमेंट आ रही है, वो आपकी जो ट्विटर ट्रेंडिंग के अंदर हमने यूज करना है, इसके 5 नंबर हैं, 2.5% आपके हैं असेसमेंट जो असाइनमेंट सबमिशन के, इसके अंदर 25 सेंटेंसेस होने हैं कि हाउ वी कैन इम्प्रूव द इलेक्शन प्रोसेस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में इलेक्शन रिफॉर्म्स कैसे आनी चाहिए। इसके लिए यू कैन हैव दी वो क्या कहते हैं, आप गाइडेंस भी ले सकते हैं दुनिया के अंदर इलेक्शन कमीशन कैसे काम करते हैं और पाकिस्तान में कैसे काम करते हैं, कितने लोगों को पाकिस्तान में, मैं जैसा कि मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि इलेक्शन अमीर लोगों का नहीं होना चाहिए, गरीब आदमियों को भी चांस मिलना चाहिए वो इलेक्शन लिखें। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के पार्लियामेंट में डॉक्टर्स आने चाहिए, इंजीनियर्स आने चाहिए, साइंटिस्ट आने चाहिए, ब्यूरोक्रेट यानी कि जो पढ़ी लिखी जो अलॉट है वो आने चाहिए, और अगर इस तरह के लोग ये जो स्कॉन्डलर्स हैं, रेपिस्ट हैं, मर्डरर हैं, डकैत्स हैं, ये जो पार्लियामेंट्स में बैठे हुए हैं इनको नहीं आना चाहिए। तो इस तरह की आप बातें प्रपोज कर सकते हैं, ये चीज़ें आपने निकालनी हैं। अच्छा ये जो इन दो एक असाइनमेंट को सबमिट कराने का, यानी कि ये जो आपने असाइनमेंट सबमिट करानी है ये फ्राइडे वाले दिन 12 बजे नून तक, 12 बजे दोपहर तक आपने सबमिट कराना है, उससे लेट टाइम लगा होगा, उसके बाद लेट अगर सबमिट कराएंगे तो सबमिट नहीं होना। और क्विज जो है जी LMS पे सबमिट कराना है, और जो लोग LMS पे ऊपर रजिस्टर नहीं हुए हैं अपने आप को रजिस्टर कर लें। ग्रुप के अंदर मेरी जो TA हैं तहरीम, आपकी सीनियर हैं, 7th semester की खातून हैं और टॉपर गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये यहाँ की, और वो आपकी TA हैं, उनसे आप गाइडेंस लें, वो आपको बताएंगी, पॉलिटिकल साइंस की हैं वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से करना है, एक बात, और दूसरी बात ये है कि वो आपको मुसलसल गाइड कर रही हैं, आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करें, वो आपको बहुत अच्छी बच्ची हैं, वो बहुत अच्छा गाइड करेंगी आपको। दूसरी बात ये है कि जो लोग दो चीज़ों अपने पोर्टल पे चेक करें कि आप किस कोर्स के अंदर एनरोल हैं, जिस कोर्स के अंदर आप एनरोल हैं और उसी के सेक्शन में रहें, बाकी को लीव करते हैं, अगर आप दूसरे में रहे और उधर रहें तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम होना है। जी बेटा अनीस कोई बात पूछना चाह रहे हो? शाहजेब खान बेटा अटेंडेंस हो गई है बेटा, जो लोग 80% क्लास में होंगे उनकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली मार्क हो जाती है। अनीस बेटा जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा बताइए। सर मैंने पूछना था कि जो असाइनमेंट LMS पे कैसे सेंड हो बेटा,
एनरोल नहीं हुए अभी तक तुम अनीस? एनरोल हो तो वो बेटा वो आप जब उसको ओपन करेंगे तो वहाँ पे टाइम फिक्स हो रहा होगा अनाउंसमेंट के अंदर, उसमें जाएंगे वो तरीका आपको बता देंगी, वीडियो बनाकर ना तहरीम वीडियो बना के आपको बता देंगी, उसको फॉलो कीजिएगा, अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है? मोहम्मद अहमद बताइए बेटा। सर क्विज का टॉपिक आपने ग्रुप में और बताया, यहाँ पे आपने क्या बताया? एक ही बताया बेटा, एक हमारी वार अगेंस्ट टेररिज्म जो न्यू ग्रिड गेम है और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस। सर आप काइंडली सीआर को कह दें कि नोट्स जो प्रीवियस हैं वो ग्रुप में सेंड कर दें ताकि वी कैन। ओके बेटा, गुलाम रसूल माहम बेटा डील करें एना के साथ, ठीक है? ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।